गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लेसन वन का टिक द करेक्ट पिक्चर और राइट एच फॉर हेल्दी फूड हैबिट और एक्टिविटीज हू एम आई आज मैं आपको करवाऊंगी। इसको करवाने के बाद आज मेरा लेसन वन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको कल लेसन टू पढ़ाऊंगी। फर्स्ट में टिक द करेक्ट पिक्चर। वी ईट दिस व्हेन वी आर हंग्री। जब हमें भूख लगती है तो हम किस चीज को खाते हैं? तो हम खाते हैं फूड खाते हैं। वी ईट दिस रॉ। अब यहाँ ब्रिंजल है और कुकुम्बर है, इसमें से रॉ मीन्स कच्चा, किसको हम खाते हैं? कुकुम्बर को खाते हैं। वी कुक दिस बिफोर ईटिंग, है ना, खाना मतलब पकाने के पहले हम किस चीज को खाते हैं? वी कुक दिस बिफोर ईटिंग, है ना। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? वी कुक दिस, हम लोग पकाते हैं फिर खाते हैं, तो क्या है इसमें? कॉलीफ्लावर है। वी डू दिस बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, है हमें खाने से पहले और खाने के बाद क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। डज नॉट वॉश हर हैंड बिफोर ईटिंग, हमें खाने से पहले हाथ नहीं धोना चाहिए, ये क्या हुआ? बैड हैबिट हो गया। ईट फ्रेश फूड, हमें ताजी खाना चाहिए, गुड हैबिट। चो दिस फूड वेल, हमें अपने भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, गुड हैबिट। लिप्स फूड ऑन हर प्लेट, है। अब है एक्टिविटीज हु एम आई। आई एम ए रेड फ्रूट, माय नेम राइम्स विथ मैरी, है मैरी का राइमिंग वर्ड करना है। आई एम ए चेरी। आई एम ए वेजिटेबल, माई नेम राइम्स विथ पैरोट, पैरोट का नेमिंग वर्ड आई एम ए कैरोट। आई एम ए ब्राउन वेजिटेबल, माई नेम इज राइम्स विथ टोमेटो, तो आप लिखेंगे आई एम ए पोटैटो। आई एम ए येल्लो फ्रूट, माई नेम राइम्स विथ टोंग, टोंगो, आई एम ए मैंगो। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल के क्लास में लेसन टू पढ़ाऊँ।